हिमाचल प्रदेश से होकर मिसेस इंडिया क्लासिक के खिताब तक पहुंचने वाली झारखंड की भगत अब चीन में होने जा रहे मिसेस इंटरनेशनल के लिए प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये जानकारी रिंकू भगत ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। बता दें कि रिंकू भगत मूलतः झारखंड की रहने वाली हैं और एक अधिवक्ता के तौर पर कार्य करती हैं। रिंकू भगत के पति सेना भर्ती कार्यालय मंडी में तैनात हैं। कुछ महीने पहले रिंकू भगत ने हिमाचल के मंडी जिला से मिसेस इंडिया क्लासिक के लिए ऑडिशन दिया था। रितु भगत ने मिसेस इंडिया क्लासिक के खिताब पर कब्जा भी जमा लिया था। अब रिंकू भगत को मिसेस इंटरनेशनल के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। मिसेस इंटरनेशनल के लिए चीन में 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विश्व भर से आई मिसेस भाग लेंगी। रिंकू भगत ने बताया कि वह मिसेस इंटरनेशनल के लिए पूरी तरह से तैयारी में जुट गई हैं और इस खिताब को भारत लाने की पूरी कोशिश में हैं। अभी मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए जा रही हूँ चाइना, जहाँ पर देश से और मतलब 5 महिलाएं जो हैं जो उस पे जा रही हैं। और ये है 26 नवंबर से शुरू हो रहा है और 1 दिसंबर में ये खत्म हो रहा है। और ग्रैंड फिनाले इज ऑन 30th को ही हो रहा है, तो उस दिन रात को है। इसमें बहुत सारे राउंड्स हैं एंड नेशनल में बहुत तैयारी कर रही हूँ। नेशनल राउंड्स है, नेशनल राउंड में मैं पूरे देश को किस तरह से वहाँ पर प्रस्तुत कर सकती हूँ, उस तरह से नेशनल ड्रेस तैयार किया जा रहा है। वहीं रिंकू भगत ने हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्य कर रही हैं। रिंकू भगत ने बताया कि वह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें घरेलू कार्यों के साथ साथ आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। रिंकू भगत आने वाले दिनों में कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में जाने वाली हैं, जहां वह ग्रामीण महिलाओं से मुलाकात करके उन्हें स्वरोजगार के बारे में जानकारी देंगी। रिंकू भगत ने बताया कि आम महिलाएं सैनिकों, पूर्व सैनिकों की पत्नियां या फिर सैनिकों की विधवाएं जो सामान तैयार करेंगी और उसे बेचने के लिए एक मंच मुहैया करवाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जो भी हमारा यहाँ से जो प्रोडक्ट महिलाएं हिमाचल से बना रही हैं और देश से अलग अलग जगह से जो फौजी महिलाएं बना रही हैं, जो वीडियो वार है, वार वीडियो है, वो जो है उनको एक रोजगार जो मैं उनको सिखा रही हूँ, जूट का काम, फिर मधुबनी पेंटिंग का काम है, वो सारा चीज उन्होंने बोला है सैंपल के तौर पर भेजने के लिए और उसे फिर वो पूरे आवा में हमें सप्लाई, पूरे देश में आवा में सप्लाई होगा, जिससे महिलाओं को यहाँ रोजगार का एक स्रोत मिलेगा।